आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्नोटेक जीपीएस में। और आज हम लगाने वाले हैं एल्टिका के अंदर, ये आपका पुश स्टार्ट है, इसके अंदर जीपीएस, बेसिक जीपीएस लगाएंगे। इंजन ऑन ऑफ के लिए बहुत कुछ खोलना पड़ता है तो उतनी ज़्यादा वो कोई फ़ायदा नहीं है करके, इसलिए आप नॉर्मल जीपीएस लगाइए पुश स्टार्ट में, क्योंकि पुश स्टार्ट पहले से ही हाईली सिक्योर्ड होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये खोलना होगा, इसका ये, इसको खोलने के लिए दो नट होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो खोलेंगे, ये बाहर आ जाएगा। एक्चुअली मैं जीपीएस लगा चुका हूँ तो मुझे बाद में याद आया कि चलो वीडियो बना लेते हैं, इसलिए मैं आपको वायर कैसे चेक करते हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, तो मैं ये आपको नहीं बता पाया। और एक चीज़ है, इसको कनेक्शन जब भी चेक करें तो पहले गाड़ी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऑफ करते ही इसमें सारा करंट चला जाता है, कहीं कोई करंट नहीं आता है, डायरेक्ट वायर से आता है करंट, वही आता है उसके। जैसे ही आपका ये आपका ईसीएम है, ईसीएम से आगे करंट फॉरवर्ड होते ही ये आपका सारा ईसीएम जो है सारा करंट बंद कर देता है, आगे कोई करंट पास नहीं होने देता है। इसलिए आप गाड़ी चालू करके करें और मैं बता देता हूँ इसके अंदर ये जो, और किसी भी गाड़ी के अंदर जो भी पुश स्टार्ट है आपकी, उसके अंदर ये जो मोटे मोटे वायर्स होंगे ना, इनमें गाड़ी ऑन होने के बाद चेक करिए, इसमें ही करंट आता है, ऑफ होते ही करंट चला जाता है, तो इसमें एसीसी भी नहीं मिल पाएगा आपको। इसके अंदर मैंने देखा था ये आपका जो है रेड वायर, ये आपका ये ब्लू वायर जो है ये डायरेक्ट करंट है, और आपका जो है बॉडी अर्थ हम कहीं भी दे सकते हैं। और इसमें वैसे मैंने एसीसी भी ढूंढ लिया था आपका, हर गाड़ी में मिलता नहीं है इसका एसीसी। इसका एसीसी आप ये देख लीजिए, ये स्टेयरिंग है, इसके ऊपर हल्का सा आते हैं, ये आपका ब्लू कलर का ये है, ये आपका एसीसी है, ये जो वायर है पतला सा एसीसी है, इसमें एसीसी लगा हुआ है। और ब्लैक जो है आपका बॉडी अर्थ है, ये आगे मैंने एक नट से निकाला हुआ है, आप जो है बॉडी अर्थ यहां से भी ले सकते थे, इस नट में भी काफी अच्छा बॉडी अर्थ आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी अर्थ आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया इसमें डायरेक्ट करंट था और एसीसी भी मिल चुका था इसमें हमें। और मैंने फिर क्या करा, इसको आप, ये सिक्योर्ड वे है, आप इसको इजीली खोल सकते हैं, इसके ऊपर ये लगा होता है, मैंने आज ऊपर लगाया है आपका जीपीएस, ये लगा होता है। ये कैसे लगता है आपका, ये हल्का सा इसको ऐसे सिर्फ पुश करना होता है, इसको हल्का सा अंदर की साइड पुश करेंगे और ये आपका लग जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें यहां से हल्का सा हाथ से इसको खींचना है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये लॉक होते हैं, ये खींचते हैं, हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ये बाहर आ जाएगा, थोड़ी आवाज सी आएगी तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आवाज से कुछ नहीं टूटता। उसके बाद हमने वायर अंदर से खींच के और ये आपका जीपीएस लगा दिया है, और हमारा जो भी जीपीएस है उसके अंदर आपका ये स्टिकर लगा होता है दिस साइड अप, इसको आपको ऊपर ही रखना है, ये देख लीजिए मैंने ऊपर रखा हुआ है। और ये वायरिंग वगैरह सब मैंने कर दी है, टाई वगैरह लगा दी है, तो ये देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का जीपीएस परचेज करना है किसी के लिए भी, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, वैसे वीडियो के ऊपर भी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू दोस्तों।